नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन लोकायुक्त ने करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रविंद्र देशपांडे नामक फरियादी की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने एक ऐसे पटवारी को पकड़ा है जो जमीन से जुड़े काम के एवज में 15,000 की रिश्वत मांग रहा था। नितिन खत्री नाम का ये पटवारी महाकाल वाणिज्य केंद्र स्थित अपने निजी कार्यालय में 15,000 में से 12,000 रुपये की रिश्वत ले रहा था, तभी लोकायुक्त ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जी, ये आवेदक हैं रविंद्र देशपांडे, हरिओम विहार के रहने वाले हैं। इन्होंने 11 जून को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि इन्होंने ग्राम मोहनपुरा अंतर्गत कुछ जमीन खरीदी थी इनकी पत्नी के नाम से। खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन पटवारी से जब ये नामांतरण और सीमांकन के लिए मिले तो पटवारी हल्का नंबर 4 ग्राम मोहनपुरा नितिन खत्री द्वारा इनसे नामांतरण और सीमांकन के 15,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की। शिकायत पर हमारे द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई की गई। उस समय इनने आवेदक के निवेदन पर 12,000 रुपये लेने पर काम करने पर सहमति दी। उस शिकायत पर आज एक ट्रैप का आयोजन किया गया और पटवारी का महाकाल वाणिज्य केंद्र में निजी कार्यालय है, वहाँ पर आवेदक से 12,000 रुपये की रिश्वत प्राप्त कर इन्हें लोकायुक्त की टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये क्यों मना कर रहे थे इनके काम करने के लिए? देखिए, ये रजिस्ट्री तो इनकी 2-3 महीने पहले हो गई थी और जब इनने नामांतरण के लिए और उसका सीमांकन भी करवाना था तो 15,000 रुपये की डिमांड थी। वो बीच में एक दो बार मिले तो क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए थे तो उन्होंने नामांतरण किया नहीं था। बाद में बातचीत पर 12,000 रुपये लेने पर सहमति दी थी इनके द्वारा। और अभी ये बीच में जो है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव आ गए, इस वजह से पटवारी जो है ड्यूटियों में लगे थे और यहाँ मिल नहीं रहे थे, तो ये जो बीच में जो डिले हुआ है हमारा ट्रैप का, इस कारण से हुआ कि ये यहाँ पर उपस्थित नहीं मिल रहे थे। मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा, लोकायुक्त उज्जैन। महंगी जा रही थी, कितने समय से आपको परेशान किया? ये मेरे को करीब करीब साल भर से वो कर रहे थे जी। और रजिस्ट्री जो थी वो रजिस्ट्री 9/11 को हो चुकी थी जी। और नामांतरण के लिए दिए थे, मगर आजकल करते करते आज 7-8-9 महीने हो गए करीब, आज भी नहीं करे, आज तक नहीं कर पाया वो। क्या आपको किस तरीके से टाल रहे थे आपके क्या कारण? कोई पैसे के लिए, तो आज जब पैसे के लिए दिया उसको पैसे दिया तो बोले आप कल मैं पूरा आपको करके कंप्लीट करके दे दूंगा बोले। कितने भी हिसाब से मांगा था, कितने में फिर आपने इसमें फाइनल हुआ था? 12,000 पहले 15 मांगा था जी। तो मैंने कहा बहुत 15 बहुत ज़्यादा है जी। तो बोले अच्छा 12 करिए, बोले 12 कर देना बोले। तो 12 में ये हुआ, आज जो है वो 12,000 दिया उनको। कितना किसके नाम थे प्लॉट और किसकी रजिस्ट्री किसके नाम थी और आप नामांतरण के लिए? वो मेरी पत्नी के नाम पे थी जी, रेणुका देशपांडे के नाम पे। नामांतरण के लिए आपसे जो नामांतरण के लिए आपने कब संपर्क किया है उनसे लोकायुक्त? आज किस तरह से ट्रिप करा है वो? मैं करीब 11 जून को किया था मैंने उनसे संपर्क। आज इनको ट्रिप किया? हाँ। आपका नाम? रविंद्र देशपांडे। कहाँ रहते हैं? ये है हरिओम विहार। उज्जैन से खबर समय जगत के लिए मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.